हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एग्जामपुर आप सभी लोगों का एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ हमारी जो है वो है नेशनल पार्क से रिलेटेड यानी नेशनल पार्क्स जो होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए इवन वो कोई भी एग्जाम हो चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता हो या कोई वनडे एग्जामिनेशन होता है यानी टॉप लेवल से लेकर के लो लेवल तक जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको नेशनल पार्क कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोगों को रिटेन करने में या याद करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं क्योंकि इसको हम लोग कई बार ऐसे पढ़ते हैं कि एक साथ सारे नेशनल पार्क पढ़ लिए आपने एक ही दिन में बैठ करके पूरे भारत के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको सबको पढ़ने की कोशिश करते हो और इंडिया में अप्रॉक्सिमेट प्रेजेंट टाइम में 104 नेशनल पार्क्स हैं यानी इंडिया में इस समय कितने नेशनल पार्क्स हैं 104 यानी 104 नेशनल पार्क्स हैं आपका माइंड कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप वन नेशनल पार्क्स को एक साथ में याद कर पाओ या मगब कर पाओ तो इसलिए हम लोगों ने एक आइडिया ड्रॉ किया है और उस आइडिया के बेस पे हम लोग अब नेशनल पार्क एक साथ में नहीं पढ़ेंगे यानी एक साथ में नहीं हम लोग सिर्फ एक स्टेट के नेशनल पार्क को एक दिन में पढ़ेंगे और पूरी डेफ डीपली उसकी स्टडी करेंगे उसके लोकेशन क्या है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे तो आप लोगों ये को ये ध्यान रखना है आप जितना भी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो अपने साथ में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें बस मेरे साथ में आपको एक से आधे से एक घंटे का जो टाइम होगा यानी तीन बजे से लेकर के साढ़े तीन या चार बजे तक का डल टाइम पीरियड है इसमें हम लोग नेशनल पार्क की स्टडी करेंगे यानी पर डे कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे यानी इकट्ठा ही सारा नहीं पढ़ेंगे कुछ दिन में कुछ नेशनल पार्क लेकिन उन नेशनल पार्क से कैसा भी क्वेश्चन आए चाहे वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या उनसे फैक्ट बेस्ड हो कैसा भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए ठीक है तो सबसे बड़ा मैटर यह करता है कि कई बार कि कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ तो लेते हो सारे नेशनल पार्क एक बार आपने लिस्ट पढ़ लिया बट आप जब एग्जामिनेशन में जाते हो तो वहां कन्फ्यूजन हो जाता है तो हमें ऐसे जब फैक्चुअल डेटाज होते हैं तो इन फैक्ट्स वगैरह को हमें धीरे धीरे करके कुछ डेटाज को एक दिन अगले दिन उसके कुछ डेटा को फिर उसके अगले दिन कुछ डेटा को कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे यहाँ से क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएँ। अगर बात हम लोग कहते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं यानी जो यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती चाहे वो एनडीए हो ए सी हो सिविल सर्विसेज हो, हो इन सभी जगहों पर आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्टिक रिजर्व से कही न कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इस समय एक इश्यू होता है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे और उसको कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने कंजर्वेशन मेथड्स अपनाए हैं और उन्हीं कंजर्वेशन मेथड्स में एक जो हमारा नेशनल पार्क होता है तो ऐसे में अगर आप इस समय देखो तो हमारे यहाँ पे जो इस समय मुख्य मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा जो होता है वो सिक्योरिटी और दूसरा अगर आप नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर देखो तो एक मुद्दा हमारा सबसे बड़ा है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ठीक है तो यूपीएससी ऐसे इश्यूज़ को कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछती है और उसमें जो है वो नेशनल पार्क्स आपसे पूछे जाते हैं नेशनल पार्क ही नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फेयर रिजर्व तो पहले हम लोग पहले नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे सभी नेशनल पार्क को और फिर उसके बाद में आ, हम लोग आगे की तरफ जब पढ़ेंगे तो वन्यजीव अभ्यारण या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फेयर रिजर्व को कवर करेंगे ओके तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी में जो इस बार सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ यानी जो आई का ट्वेंटी ट्वेंटी में पेपर आया उस पेपर में आप देखो कि कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था सिविल सर्विसेज में कभी भी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत कर देते हो ठीक है तो आप देखो कि इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा यूपीएससी ने यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा कि नेशनल पार्क्स के कुछ फीचर्स बताए और उस फीचर के बेस पर पूछा कि ये कौन सा नेशनल पार्क है ठीक है अक्सर आप अगर वनडे लेवल के एग्जामिनेशन को देखते हो तो वहां पे सीधा पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है किस स्टेट से बिलोंग करता है और यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप देखो कि बहुत ज्यादा डेफ्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है इवन कुछ ऐसे नेशनल पार्क पूछ ले जाते हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होता है यानी कुछ पॉपुलर नेशनल पार्क नहीं पूछे जाते हैं कुछ ऐसे नेशनल पार्क पूछे जाते हैं जो नॉर्मली पॉपुलर नहीं होते हैं बट किसी ना किसी रीजन से न्यूज में आए होते हैं तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर करना है और उसके कवर करने का मेथड जो होगा वो मैंने आपको बताया कि हम लोग नेशनल पार्क को स्टेट वाइज जो है वो कवर करेंगे स्टेट वाइज का मतलब क्या हुआ कि हम एक दिन में सिर्फ एक स्टेट के नेशनल पार्क को कवर करेंगे अगर आप एक दिन में एक स्टेट के नेशनल पार्क को डीपली पढ़ लेते हो यानी वहां पर और उसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो कभी भी आपके नेशनल पार्क जो है वो वहां से आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे वो चाहे जितना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो या कौन

स्टेट वाइज ठीक है तो ये एक सीरीज होगी जिसमें आपको बस आपको सुनते रहना है यानी वीडियो को सुनते रहना है बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप सुनते भी रहोगे तब भी एग्जामिनेशन में आपने आंसर को सही कर सकते हो ओके तो यहां पे अब हम लोग आते हैं कि नेशनल पार्क को जो हम लोग यानी जिसको हम लोग हिंदी में आप नेशनल पार्क को हिंदी में भी समझ लो यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी क्या होता है इसको राष्ट्रीय उद्यान देखो अभी तक आपके पास में जितनी भी जानकारी इंफॉर्मेशन है नेशनल पार्क से रिलेटेड ये आपको पता है कि ये नेशनल पार्क वगैरह में हम लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं यानी क्या करते हैं एक्चुअली इसमें इसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो कंजर्व करने का मतलब उसको संरक्षित करते हैं और अगर किसी भी चीज को संरक्षित करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा जरूर है यानी कुछ ना कुछ उसको थ्रेट है और थ्रेट होने की वजह से ही उसको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप ये देखो कि हमारे यहाँ पे या पूरे विश्व के स्तर पर अगर आप देखो तो जीव जंतुओं का या वाइल्ड लाइफ जो होते हैं यानी कुछ जानवर कुछ पेड़ पौधे इनका ह्रास हो रहा है यानी इनके इनकी जो संख्या हो रही है वो कम हो रही है उसके पीछे कई सारे कारण हैं तो उन कारणों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इन जीव जंतुओं को संरक्षित करने का प्रयास करना स्टार्ट किया और इसके लिए हम लोगों ने कुछ कंजर्वेशन मेथड्स अपनाए यानी जीव जंतुओं को संरक्षित करने का प्रयास करना किया स्टार्ट किया संरक्षण स्टार्ट किया अब अगर किसी भी प्रकार के जीव जंतु या किसी भी वाइल्ड लाइफ का अगर आपको संरक्षण करना होता है या कंजर्वेशन करना होता है तो ये संरक्षण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं यानी दो हमारे मेथड होते हैं अब ऐसे में ये जो कंजर्वेशन है इसके दो मेथड मेथड्स होते हैं जिसमें एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इन सी टू कंजर्वेशन मैथड यानी क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है इन सी टू कंजर्वेशन मैथड या इसको हिंदी में कहते हैं स्वास्था संरक्षण विधि और दूसरा जो मेथड होता है इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड द एक्स कंजर्वेशन मेथड और इसको कहते हैं बहिर्स्थाने संरक्षण विधि ठीक है तो यानी अगर आपसे पूछे कि संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं जिसमें क्या होता है एक होता है कैसे इनसी टू मैथड और दूसरा क्या होता है एक्सी टू मैथड और ऐसे में इनसी टू एक्स टू में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो आप समझ लो यहाँ पे. इनसी टू मैथड का मतलब होता है कि ऐसा मैथड जिसमें हम नेचुरल हैबिटाट को ही कंजर्व कर देते हैं यानी नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करने का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई जानवर किसी जंगल में पाया जाता था पाया जाता है और वो जानवर धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है यानी उसकी संख्या कम हो रही है तो हम क्या करेंगे उस पूरे जंगल के एरिया को ही क्या करेंगे कंजर्व कर देंगे और जिस कारण से वो जानवर नष्ट हो रहा था उस कारण को आइडेंटिफाई करके और उस कारण को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से वो नष्ट हो रहा था क्लियर तो अगर किसी भी जानवर को जहां पर वो प्राकृतिक रूप से रहता है यानी नेचुरली पाया जाता है वहीं पर ही ठीक है वहीं पर भी उसको संरक्षित कर दिया जाए तो इस प्रकार के जो मेथड होते हैं उनको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड या स्वास्थ्य अगर किसी भी जानवर को जहां पर वो आता है वहां से यानी प्राकृतिक रूप से जहां पर पाया जाता है वहां से हटा करके किसी दूसरे कृत्रिम आवास पे या किसी आर्टिफिशियल हैबिटेट में ले जाकर के संरक्षित करते हैं तो उसको कहा जाता है हम लोग एक्ससीटू मेथड कहते हैं तो जो नेशनल पार्क वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वो नेशनल पार्क एक्चुअली आप देखो कि उस जंगल के क्षेत्र को ही क्या कर जाता है कंजर्व कर दिया जाता है तो ऐसे में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये सब किस प्रकार के संरक्षण के मेथड होते हैं तो ये सारे के सारे इन सी टू कंजर्वेशन मेथड होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है नेशनल पार्क अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल पार्क किस प्रकार का संरक्षण विधि होती है तो हम कह सकते हैं कि नेशनल पार्क जो है वो वो इन कंजर्वेशन मेथड होता है 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 या संरक्षण संरक्षण की विधि 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 होती आपको समझ में आ गया दूसरे जो रिस्थाने यानी किसी जानवर को आप उठाओ वहां से जहां पर वो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और आप उसको ले लेके किसी चिड़ियाघर में रख दो तो चिड़ियाघर उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं हुआ वो आर्टिफिशियल है तो इस टाइप के कंजर्वेशन को क्या कहते हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन कहा जाता है ठीक है आप फटाफट ये जो सेशन है इसको आप शेयर कर दो मैक्सिमम ठीक है जितने भी लोग जिनको नेशनल पार्क पूरी तरीके से कवर करना है वो सारे के सारे लोग जो है इस आ, सेशन को शेयर कर दें और जिससे मैक्सिमम लोग जो है वो जुड़ जाएं तो आपको मैक्सिमम इस आ, सेशन को शेयर करना है आ, जितने भी लोग जिनको नेशनल ओके okay, तो मैक्सिमम शेयर करिए आप इन यानी आपसे अगर कोई पूछे कि नेशनल पार्क किस टाइप का कंजर्वेशन मेथड है तो देखो अभी नेशनल पार्क से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है दिस इज द एग्जांपल या दिस इज द टाइप ऑफ द इनसीटू कंजर्वेशन मेथड या इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है अब आप देखो कि अपने देश में यानी इंडिया में ये जो नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है वो नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट क्या किसी लीगल या किसी लॉ के तहत है या किसी एक्ट के तहत है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल पार्क बनाया जाता है वो हमारे यहाँ पर एक एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट यानी एक हमारे यहाँ पर एक एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन ठीक है या इसको हम लोग कहते हैं वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस ठीक है तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग लीगलाइज यानी जो लॉ किस एक्ट के तहत है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस एक्ट के तहत है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस के तहत है इसके तहत जो है हमारी सरकारें यानी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क के रीजन में या नेशनल पार्क के क्षेत्र में घोषित कर सकती हैं तो वो अधिनियम जो पावर देता है सरकारों को वो कौन अधिनियम है वो अधिनियम का नाम आपको यह ध्यान रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस तो 72 ठीक है तो ये अधिनियम आपसे सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसी के तहत नेशनल पार्क को हमारे यहां पर या राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित या राष्ट्रीय उद्यान को एक लीगल अथॉरिटी या लीगल दर्जा दिया जाता है और इसी के तहत सरकारें जो है वो इसको कंजर्व करती हैं क्लियर अब इसके बाद में अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो मैं किस तरीके से हम लोग नेशनल पार्क को कवर करेंगे और उसमें हम लोगों ने देखा कि स्टेट वाइज नेशनल पार्क देखेंगे और अगर हम हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क देखते हैं तो आप ये देखो कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट वाइज नेशनल पार्क अगर हम पूरे इंडिया के नेशनल पार्क को कवर करें तो हम लोग सिर्फ एक साइड से अगर स्टार्ट करते हैं यानी अपने इंडिया में नॉर्दर्न साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहाँ के नेशनल पार्क को कवर करेंगे यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी ये जो एरिया है हमारा यहाँ पर कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं उनकी क्या क्या खासियत है वो क्या क्या खास बात है उनकी इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे यानी हम लोग बिल्कुल नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और साउथ तक सभी स्टेट के नेशनल पार्क को स्टेट वाइज एक एक दिन में एक स्टेट के नेशनल पार्क को कवर करेंगे और आज हम लोग जिस स्टेट के नेशनल पार्क को कवर करने जा रहे हैं वो हमारा स्टेट है आ, पहले वो स्टेट हुआ करता था लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूटी है और वो हमारी यूटी कौन सी है दो यूटीज हैं जिसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों यूटीज के नेशनल पार्क को हम लोग कवर करेंगे और इसमें हम लोग पांच छह नेशनल पार्क को कवर करेंगे ठीक है तो आई थिंक आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग जो है वो नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे अब आप देखो यहाँ पे कि इंडिया में सारे नेशनल पार्क्स को एक एक से कवर करेंगे और जो हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में वो बिलोंग करता कहां से लद्दाख रीजन से यानी हमारी जो सबसे नॉर्थ में टेरिटरी है वो नॉर्थ की टेरिटरी हमारी कौन सी है लद्दाख यही पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी लेकिन अब ये क्या हो गई लद्दाख तो लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है उसकी क्या खास बात है इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे अब आप देखो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं अब हमें आज जिन नेशनल पार्क को कवर करना है जिन नेशनल पार्क को हम पढ़ेंगे वो नेशनल पार्क की एक लिस्ट देखो आप जिसमें लद्दाख में एक नेशनल पार्क हमारा और उस नेशनल पार्क का नाम है हेमी साई नेशनल पार्क डेफिनेटली आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा ठीक है क्योंकि इसके कुछ खास बात है जो हम सारे एग्जामिनेशन में पूछी गए हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये नेशनल पार्क पूछा गया है। तो हेमी शाही नेशनल पार्क दाची नेशनल पार्क किश्तवाड़ नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क और ओवरा नेशनल पार्क ये जितने भी नेशनल पार्क हैं इस हेमिसाई को छोड़कर के तो आपको ध्यान रखना है कि हेमी नेशनल पार्क जो है ये है लद्दाख रीजन में और बाकी सारे के सारे कितने हैं सब कहां पर हैं जम्मू कश्मीर रीजन में पहली की बुक्स में अगर आप बाइफर्केशन जम्मू कश्मीर के, के पहले की किताबों को तो उसमें डिवीजन हो गया जम्मू कश्मीर जो है वो डिवाइड हो गया तो ऐसे में हमारे यहां पर जो दो यूटी आई उसमें लद्दाख के रीजन में हेमिसाई है ठीक है लेह के साउथ वेस्ट रीजन में जो है वो हेमिस नेशनल पार्क हमारा पड़ता है तो एक एक नेशनल पार्क की हम लोग खास बात देखेंगे इस नेशनल पार्क में किस टाइप के वा, जो वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं उन एनिमल्स का क्या आयु स्टेटस है यानी आयु इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने उनको क्या स्टेटस दे रखा है रेड डेटा लिस्ट में उन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे ओके okay? तो ऐसे में ये लिस्ट है यानी आपको इन सभी नेशनल पार्क जब भी आए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये कहां से बिलोंग करते हैं जिसमें से एक लद्दाख और बाकी जम्मू कश्मीर यानी अगर आप किसी वन डे एग्जामिनेशन के पेपर को देखोगे तो वहां पर आपसे यही पूछा जाएगा कि ये नेशनल पार्क कहां से बिलोंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक चेंज हुआ है तो हेमी साई नेशनल पार्क अब लद्दाख में हो गया और बाकी सारे के सारे जो है वो नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में है ठीक है अब इसके बाद में हम लोग अपने सबसे पहले नेशनल पार्क की शुरुआत करते हैं और हमारा जो पहला नेशनल पार्क है वो हमारा पहला नेशनल पार्क कौन सा है हेमिस हाई नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क इस हेमिस नेशनल पार्क को हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहते हैं यानी इसको हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहते हैं या इसको हेमिस नेशनल पार्क भी कहा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है हेमिस नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क की खास बातें क्या होती हैं इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लोकेशन क्योंकि यूपीएससी अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछेगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये जम्मू कश्मीर का मैप आप देख रहे हो तो आप देखो यहाँ पर हेमिस हाई नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लेह के साउथ वेस्ट रीजन में यानी लेह जो पड़ता है हमारा लेह सिटी है उसके साउथ वेस्ट रीजन में लोकेटेड है तो 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 सबसे पहले तो आपको इस नेशनल पार्क के लोकेशन पता चाहिए कि इट लोकेटेड। ओके। तो जम्मू अब उसके बाद में इसकी खास बात क्या 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें एटलीस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए इस तो नेशनल पार्क के लिए आपने और उस नेशनल पार्क की लोकेशन देखी तो आपको देखो यह लोकेटेड है।, तो है? है कि यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर में लोकेटेड है यानी जितने भी नेशनल पार्क भारत में है वो सारे हिमालय के दक्षिण में है लेकिन ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर रीजन में स्थित है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा भारत का नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर में लोकेटेड है ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमिस नेशनल पार्क है और साथ ही साथ में एरिया वाइज यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यानी दूसरी खास बात इसके क्या है कि यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यानी लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया तो यह पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में यह पॉइंट जनरली मिल जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ठीक है भारत का वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह नेशनल पार्क सिंधु नदी के किनारे पर लोकेटेड है यानी अगर आप सिंधु नदी के लोग को देखो तो सिंधु नदी जो है वो अगर जम्मू कश्मीर को हम लोग इस तरीके से कुछ तरह ड्रॉ करें तो तिब्बत के रीजन से सिंधु नदी ओरिजिनेट होती है और लेह के से होते हुए नदी नदी जो जो है वो है है जाती पे पाकिस्तान के के रीजन में में तो तो ऐसे नेशनल पार्क किस बैंक पर लोकेटेड होगा आपको ध्यान रखना है कि किस नदी के बैंक पर लोकेटेड तो है, है। इंडस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है और से से बैंक रिवर बैंक से रिवर बैंक और नेशनल को रिवर रिलेटेड है कि कि पासिस यानी दर्रे दर्रा आपने सुना होगा दर्रा क्या होता है दर्रा का मतलब सिंपली आप देखो कि माउंटेन्स के बीच में जो गैप होता है और उस गैप से कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक माउंटेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के यानी एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैप बोलते हैं या इसी को ला बोला जाता है या इसी को पास कहा जाता है तो यहां पर एक पास है जिसका नाम है गंदाला या इसी को कांडाला भी कहा जाता है ठीक है तो ये जो ला है या ये जो पास है इस पास की लोकेशन कहां पर है इस पास की लोकेशन इसी नेशनल पार्क में है यानी जो गांडाला या कांडाला जो है उसकी लोकेशन इसी हेमिसई नेशनल पार्क में है और ये जो हेमिसाई यानी ये जो ला है ये जोड़ किसको किसको रहा है तो ये मरखा घाटी को या मरखा वैली को लेह से जोड़ने वाला एक दर्रा है अब आप देखो कि आपके एग्जामिनेशन में जो है वो लाश पूछे जाते हैं दर्रे पूछे जाते हैं और ये दर्रा जो इसकी लोकेशन यानी इसका रिलेशन किससे है इस नेशनल पार्क से और अगर इस नेशनल पार्क से ये रिलेटेड रे, है तो ऐसे कंडीशन में आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए ठीक है क्लियर तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि मरखा वैली जो है वो रिलेट यहाँ यहां पे ये इस ला का नाम आपको ध्यान रखना और इसी नेशनल पार्क से रिलेट करके आपको रखना है यूपीएससी कभी भी इस टाइप्स के पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन बना सकती है ठीक है तो अभी तक आप लोगों ने हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाईएस्ट या लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है और किस जगह लोकेटेड है बट उसके डेफ में जाकर के आपको एक दिन में चार नेशनल पार्क पढ़ो पांच नेशनल पार्क पढ़ो लेकिन उसको ढंग से पढ़ो क्योंकि वहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो और किसी एक नेशनल पार्क के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी उतना ही कंफ्यूजन कम होगा यानी किसी नेशनल पार्क बारे में आप सिर्फ जानते हो जम्मू कश्मीर है तो आप पेपर में जाओगे तो कंफ्यूज हो जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में है? ठीक है लेकिन अगर उसके बारे में डिटेल में कि यहां पे मरखा वैली है इंडस रिवर है और यहां से अगर आप रिलेट कर लोगे तो आपको ये इतना आइडिया होगा कि इंडस रिवर तो कहां पे है लद्दाख के रीजन में तो इसका मतलब ये कहां पर होगा वहीं पर होगा तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ही लेस कंफ्यूजन होता है ओके ठीक है अब उसके बाद में अब देखो ये जो रीजन है ये नेशनल पार्क इसको अगर आप देखो तो इसकी एक खास बात और क्या है कि पूरे वर्ल्ड में ये जो नेशनल पार्क ये जो एरिया है इसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड होते हैं यानी स्नो लेपर्ड का मतलब होता है कि ऐसे लेपर्ड या ऐसे तेंदुए जो बर्फ वाले क्षेत्र में रहते हैं जिनको हम लोग हिम तेंदुआ कहते हैं या स्नो लेपर्ड तो विश्व में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं इसी नेशनल पार्क में रिकॉर्ड किए गए हैं कौन सा नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं हेमिसाई नेशनल पार्क तो हेमिसाई नेशनल पार्क में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं और स्नो लेपर्ड एक इंपॉर्टेंट हमारे यानी एनिमल है तो ऐसे में इसको आपको ध्यान रखना है कि इस रीजन में स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और आपको यह याद होगा कि कई बार नेशनल पार्क में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि यह नेशनल पार्क किस एनिमल से रिलेटेड है या इस नेशनल पार्क में मेन कौन सा एनिमल है जिसको कंजर्व किया जा रहा है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड यहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए और उसके बाद में यहां पर एक हेमिस मोनेस्ट्री है मोनेस्ट्री मतलब जो बौद्ध भिक्षु या तिब्बती जो लोग रहते हैं वो उनका एक वर्ल्ड फेमस हेमिस मोनेस्ट्री है तो आप ये देखो हेमिस वर्ल्ड जो है यहां पर भी यूज किया गया है तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हेमिस नेशनल पार्क एंड यू हैव टू कीप दीज इंफॉर्मेशन इन योर माइंड अब हम देखते हैं यहां पे अब आपने देखा कि हेमिसई नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं अब यहाँ पे जो लेपर्ड लेपर्ड वगैरह पाए जाते हैं, वो इसनो से रिलेटेड हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां पर स्नो लेपर्ड से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखो स्नो लेपर्ड आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है और ये बर्फ में रहने वाला एक तेंदुआ है ठीक है और ये जो है अगर किसी भी जानवर देखो यूपीएससी में कई बार जो होता है वो आ, एनिमल्स यानी कुछ जानवरों को भी पूछ लिया जाता है कि ये जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं तो और उन जानवरों के आयु जो स्टेटस होता है आयु क्या करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये क्या करता है कि एक रेड डेटा लिस्ट जारी करता है और उसमें जानवरों की संख्या और उन पर होने वाले खतरे के आधार पर ये आकलन करते हैं यानी उसका असेसमेंट करते हैं और फिर इन्होंने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट फॉर वाइल्ड एक्सटिंक्ट हो गया कंप्लीटली वलनेरेबल लिस्ट कंसर्ट इस टाइप से इन्होंने लिस्ट बना रखी है जानवरों के ऊपर खतरे के हिसाब से तो ये क्या करते हैं उस जानवर को उस तरीके का स्टेटस देते हैं और उसी स्टेटस के आधार पे उस जानवर को हम लोग संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो आप ये देखो कि ये जो जानवर है स्नो लेपर्ड इसको आई की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखो तो कई बार होता है कि यहाँ पर ये चीजें चेंज कर दी जाती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसकी कर, जो स्टेटस है वो स्टेटस क्या है ये चीज आपको ध्यान रखना है और क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से गिर रही है तो इनकी संख्या जब गिर रही है तो इसलिए इनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया कि अगर इनको नहीं कंट्रोल किया जाएगा या इनकी संख्या को नहीं रोका जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे या इनको खतरा होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक जानवर स्नोलेपर्ड इसकी आयु रेड डेटा लिस्ट में जो स्टेटस है उस स्टेटस को आपको यहाँ पे याद रखना है और फिर देखते हैं कि इस रीजन में और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं और उन एनिमल्स की क्या खास बात है ठीक है ये डायग्राम में आपको देख रहे हैं यानी भेड़ की प्रजाति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेट तिब्बतीन शीप और यूपीएससी कई बार जो है वो किसी जानवर का भी क्वेश्चन पूछती है जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस में दो आ, दो आ, जो वाला जो ऊंट होता है उससे क्वेश्चन पूछा इन्होंने ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप ये देखो कि ग्रेट शीप इस रीज, इस नेशनल पार्क के रीजन में पाई जाती है और इसको यानि जो अर्गाली है, इसको यानी जो है की की में नियर कैटेगरी में डाला गया है ठीक है क्योंकि इसकी हंटिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है तो इसका जो आयुसियन स्टेटस है वो आपको ध्यान रखना है यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट जानवर इस रीजन में पाए जाते हैं उन जानवरों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब उसके बाद में यहाँ पर एक और जानवर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं भरल ठीक है यानी भरल या इसको ब्लू शीप कहा जाता है तो इस रीजन में यानी जिस एरिया में हेमिसई नेशनल पार्क के रीजन में ब्लू शीप भी पाई जाती है और ये ब्लू शीप आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ब्लू शीप ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भरल भी कहा जाता है यानी इसको भरल कहते हैं और इसको हम लोग हेलन शान ब्लू शिप भी कहते हैं इसको चाइनीज ब्लू शिप भी कहते हैं इसको हिमालयन ब्लू शिप या नॉर के नाम से भी जानते हैं यानी इसके बहुत सारे नाम हैं, ब्लू शिप आपको ध्यान रखना है और एक टर्म आपको याद रखना है नॉर, ठीक है कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नॉर जानवर या नॉर जो जानवर है ये बाइलिंगल है ठीक है ये क्लास जो है बाइलिंगल है इसमें पीपीटी आपको इंग्लिश में दिख रही बट चीजें मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ जो टर्म जहां पर भी होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा तो आई थिंक ये आपको मैक्सिमम uh, हेल्प करेगी बायोलिंग क्लास ओके तो नॉर जो है वो जानवर कहाँ पर पाया जाता है या ब्लू शीप कहां पर पाई जाती है या ब्लू शीप शीप मतलब भेड़ और ब्लू मतलब नीली नीली भेड़ कहाँ पर पाई जाती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस रीजन में इस जानवर का द भरल इज कैटेगराइज एज द लीस्ट कंसर्न ठीक है। स्टेटस इसका क्या है कंसर्न है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आयुषियन स्टेटस क्या होता है किसी जानवर का और किस रीजन में पाए जाते हैं दूसरा एक जानवर आप देखो यहां पे शापी ठीक है या जिसको लद्दाखी उरायल कहा जाता है ठीक है लद्दाखी उराइल या इसको शापी कहते हैं शापी जो है वो वहीं का टर्म है अब इसको इसको उरेल जो है इसको और किस नाम से जानते हैं या शापो ठीक है तो ये शीप की यानी भेड़ की एक प्रजाति है तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है और ये सिर्फ कहां पर पाई जाती है इंडिया में ओनली फाउंड इन हेमिस नेशनल पार्क इन इंडिया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यानी एक ऐसा जानवर जो कि सिर्फ हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है इंडिया में तो इसका नाम आपको यह ध्यान रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क में एक जानवर है जो कि सिर्फ हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है इसका नाम और इसकी आयुसियन जो स्टेटस है वो क्या है वलनरेबल है यानी स्टेटस इसका स्टेटसबल है तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी प्रजाति है या कौन सा ऐसा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ हेमिस हाई नेशनल पार्क में पाया जाता है अब आपने देखा एक नेशनल पार्क हमने देखा जो कि हेमिस हाई नेशनल पार्क है और उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए कि हेमिस हाई नेशनल पार्क की खास बात क्या है जो कि एग्जामिनेशन में और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे जिन जानवरों को हमें ध्यान रखना चाहिए और उन जानवरों का क्या स्टेटस है आई यू स्टेटस क्या है वहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अब देखो यहाँ पे अगला जो नेशनल पार्क हमारा है वो है दाची नेशनल पार्क यानी नेक्स्ट नेशनल पार्क हमारा कौन सा है दाची गाम नेशनल पार्क और ये भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दाची गाम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में लोकेटेड है यानी दाची गांव नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में और ये आप इसकी लोकेशन को मार्क करो ये इसकी लोकेशन है यानी जम्मू कश्मीर के रीजन में यहां पर दाची गांव नेशनल पार्क लोकेटेड है तो दाची नेशनल पार्क की लोकेशन आपको ध्यान रखना है कि इस रीजन में यानी जम्मू कश्मीर के रीजन में और अगर आप यहां पर जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से इसका एंट्री गेट दिखाई पड़ेगा दाची गांव नेशनल पार्क ठीक है ठेके? तो दाची गांव नेशनल पार्क अगर अगर दूसरे साइड में आप देखो यहाँ पे हिली रीजन है ठीक है और ये जो नेशनल पार्क है ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच के रीजन में आपको देखने को मिलेगा ठीक है जम्मू कश्मीर के पास में तो ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अब देखते हैं इससे खास बात क्या है इसका क्या मतलब है तो देखो दाची गाम जो अगर हिंदी शब्द को अगर हम लोग देखें दाची गांव तो दाची में ये जो शब्द है दाची इसका कश्मीरी मतलब अगर देखो तो इसका मतलब होता है दस और गांव का मतलब होता है गांव ठीक है तो दाची गांव का जो लिटरली मीनिंग होता है वो लिटरली मीनिंग इसका होता है दस गांव ठीक है तो लिटरली मीनिंग ऑफ द टेन विलेजेस यानी दाची का जो लिटरली मीनिंग होता है वो क्या होता है दस विलेज दस गांव और इसको नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया 1981 में यानी इसको एज ए नेशनल पार्क अब डिक्लेयर किया गया 1981 में तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे जाबरवान एक यानी जाबरवान जो वैली यानी रेंज है इस जाबरवान रेंज के पास में ये लोकेटेड है तो आपको ये माउंटेन रेंज याद रखना है कि जावरवान रेंज का रिलेशन किस नेशनल पार्क से होगा तो जाबरवान रेंज का नेशनल रिलेशन किस से होगा दाची गांव नेशनल पार्क से और इस रेंज को अगर आप देखो तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में एक छोटी सी रेंज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जाबरवान रेंज कहते हैं तो ऐसे में इस रेंज का नाम आपको याद रखना है कि जाबरवान रेंज ठीक है जो कि वेस्टर्न हिमालय का एक पार्ट है ठीक है तो ये रीजन जो होता है वो वेस्टर्न हिमालय ही है और इसकी अगर हम लोग देखें तो ये श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है यानी ये श्रीनगर के पास में है तो लोकेशन देखो ये जो डिस्टेंस वगैरह मैं बता रहा हूं इसको लोकेट, आउ, लोकेट करने के लिए तो इसके पहले वाला नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा लेह के पास में इस वाले नेशनल पार्क को कहां पे देख रहे हैं श्रीनगर के पास में हो सकता है यूपीएससी आपको दो तीन नेशनल पार्क दे करके उनको सिक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोल दे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनको सिक्वेंस में अरेंज करो तो अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम अरेंज करना चाहेंगे तो आपको ये पता है श्रीनगर जो है वो क्या होगा लेह से वेस्ट में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाची अगर जो अगर हम दाची दाचीगाम और हेमीसाई को अरेंज करेंगे तो दाचीगाम जो होगा वो वेस्ट में होगा और हेमिसाई किधर होगा ईस्टर्न साइड में होगा ओके तो इस आधार पर हम लोग नेशनल पार्क के जो आ, उनका अरेंजमेंट है अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे तो यहां पर आप देखो कि ये दाची गांव से इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं यानी नेशनल पार्क जो है इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उनका क्या स्टेटस है और क्या वहां से क्वेश्चन बन सकता है देखो जम्मू कश्मीर के रीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जानवर जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है स्टेट एनिमल है उसका नाम हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं हंगुल या कश्मीरी स्टैग कहा जाता है यानी क्या बोलते हैं उसको हंगुल या कश्मीरी स्टैग और ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ठीक है। ऑलरेडी ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है तो आप देखो इस नेशनल पार्क में जो एक इंपॉर्टेंट एनिमल मिल रहा है वो कौन सा है हंगुल और इसी हंगुल को ही क्या कहते हैं कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है कि कश्मीरी स्टैग या इसी को हंगुल भी कहते हैं और ये जानवर आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है ये हिरण की एक प्रजाति है ठीक है और 1970 से यानी 1970 का जो दशक था उस सत्तर में यानी भारत जम्मू कश्मीर की सरकार उस समय की और WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड और हमारे आई इन लोगों ने मिल के हंगुल को बचाने का प्रयास करना स्टार्ट किया और इन लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चला ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला ठीक है तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि हंगुल को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट साथ ही साथ में वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था वर्ल्ड वाइड फंड यानी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ और आई इन लोगों ने मिलकर के प्रोजेक्ट हंगुल कंजर्वेशन चलाया 1970s में तो ऐसे में आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट हंगुल भी हमारे यहां पर चल रहा है हंगुल को बचाने के लिए ठीक है हंगुल हैज बीन लिस्टेड ठीक आपको यह ध्यान रखना है कि इसको हम लोगों ने शेड्यूल वन में लिस्ट कर रखा है हमारे यहाँ पे जो डब्ल्यू पी ए है यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है इसमें शेड्यूल वन शेड्यूल वन में उन जानवरों को रखा जाता है जिनको स्ट्रिक्टली मारने से मना किया जाता है ठीक है तो हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हम लोगों ने छः शेड्यूल्स बना रखी हैं और उन छः शेड्यूल्स में जिसमें से पाँच शेड्यूल्स में, में जानवरों को कैटेगराइज किया गया और छठे में हम लोगों ने जो है वो ऐसे पेड़ पौधों को कर... को शामिल कर रखा है जिसकी खेती इंडिया में जनरली नहीं की जा सकती है तो ऐसे में इस जानवर को हमने किस में रखा है शेड्यूल वन में शेड्यूल वन वो शेड्यूल होती है जिसमें जानवरों को मारना स्ट्रिक्टली क्या होता है मना होता है ठीक है और इसका जो कश्मीर यानी जो इसका आयुसियन स्टेटस है आयुसियन स्टेटस का मतलब इस ये किसमें है क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब हुआ कि इसको बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इनकी संख्या बहुत कम हो गई है अगर इन्हें नहीं बचाया जाएगा तो ये extinct हो जाएंगे यानी ये विलुप्त हो जाएंगे तो ऐसे में कश्मीरी स्टैग जो है वो किस स्टेटस में है तो आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है तो आपको ये जान, इस जानवर का के बारे में इसकी खास बात जो है वो ध्यान रखना है और खास बात क्या है के इसको हंगुल या कश्मीरी स्टैग कहते हैं ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है साथ ही साथ में इसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसका आयुषन स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यानी आयुष स्टेटस क्या है ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है फिर देखते हैं कि इस रीजन से या इस नेशनल पार्क से रिलेटेड जो दूसरा हमारा जानवर है वो कौन सा है ठीक है यानी दूसरा इंपॉर्टेंट जानवर कौन सा है इसको आप देखो तो दूसरा इंपॉर्टेंट जानवर है मस्क डियर या रूस कैट फुल फॉर्म आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ओके तो आप लोगों को समझ में आ रहा है फटाफट आप लोग कंफर्म करो कि आपको क्लियर हो रहा है यानी जितने नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कभी आप भूलोगे तो नहीं यानी अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे तो आपको याद तो रहेगा ना तो प्रोजेक्ट या कश्मीरी स्टैग या हंगुल के बारे में कोई डेटा अब आपसे भूलना नहीं चाहिए या आपको हमेशा याद रहना चाहिए अब देखो अगला जो हमारा एक यहाँ पे हम लोग जिस जानवर के बारे में देखेंगे वह हमारा मस्क डियर जो जिसको हम लोग कहेंगे रूस कैट ठीक है ये आप देखो ये रूस कैट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो पिक्चर में और आप देखो ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसको हम लोग मोशिडी एक कैटेगरी होती है मोस्कीडी एक कैटेगरी होती है जानवरों की जिसमें क्या होता है इनके जो दांत होते हैं ये भी मैमल्स से होते हैं इनके सींग नहीं होती बल्कि सींग के जैसा कुछ दांत निकल नीचे की तरफ बाहर की तरफ दांत निकले होते हैं ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है मस्क डियर या रूस कैट मस्क मतलब जिसको हम लोग कश्मीरी आ, कस्तूरी मृग कह सकते हैं मस्क मतलब कस्तूरी मृग अब इनमें जो मस्क डियर होते हैं इनके जो दांत होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये एक्चुअली पाए कहाँ पर जाते हैं भारत में हिमालय के रीजन में नेपाल भूटान इंडिया पाकिस्तान और चाइना इस रीजन में ये पाए जाते हैं ठीक है तो इनका जो क्षेत्र है यानी किस रीजन में पाए जाते हैं तो हिमालयन रीजन जिसमें नेपाल इंडिया भूटान पाकिस्तान और चाइना ये पूरा रीजन है जहाँ पर ये मस्क डियर पाए जाते हैं या रूस कैट जिसे कहा जाता है ठीक है और इनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है आयु में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है यानी इन पे खतरा है तो ऐसे कंडीशन में इनकी कैटेगरी और इनका नाम देखो नाम और कैटेगरी ये दो चीज़ ध्यान रखना है स्टेटस ज़रूर आपको याद रखना है और आयु स्टेटस आपको रटना नहीं है बस देखते रहना है और अगर दो तीन बार अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो इसी तरीके से आपके पास में ये रिटेन हो जाएगा ठीक है तो मस्क डियर एक इंपॉर्टेंट एनिमल इस रीजन का इस नेशनल पार्क का अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा नेशनल यानी एनिमल है वो है लेपर्ड यानी इस रीजन में तेंदुआ भी पाया जाता है लेपर्ड या इसको हम लोग क्या कहते हैं तेंदुआ ठीक है तो तेंदुआ भी पाया जाता है और तेंदुआ हमारे यहाँ पे वलरेबल कैटेगरी में है और आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ पर लेपर्ड से रिलेटेड एक, से एक सेंसस की रि, रिपोर्ट रिलीज हुई है तो ऐसे में लेपर्ड कितने हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे लेपर्ड्स बढ़े हैं तो लेपर्ड वनरेबल लिस्ट में है यहाँ पे और यहाँ पर बड़ी मात्रा में यानी इस रीजन में बड़ी मात्रा में लेपर्ड पाए जाते हैं तो लेपर्ड जो है वो अक्सर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस रीजन में लेपर्ड भी पाए जाते हैं ठीक है तो जितने भी हिली रीजन है यानी हिमालयन रीजन में लेपर्ड पाए जाते हैं और साथ ही साथ में यहां पर एक बिल्ली की प्रजाति पाई जाती है जो आपको दिख रही है और इसको हम लोग कहते हैं लेपर्ड कैट ठीक है यानी यहां पर लेपर्ड कैट एक पाई जाती है एक प्रजाति है जो बिल्ली की प्रजाति है ठीक है तो बिल्ली की एक प्रजाति है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि लेपर्ड कैट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेपर्ड कैट कहाँ पर पाई जाती है तो इस रीजन में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट है और इसकी जो आयुष स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है यानी बहुत ज्यादा अभी इसमें की संख्या में कमी नहीं आई बट ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि लेपर्ड कैट भी होता है ठीक है तो लेपर्ड कैट यहाँ पर इस रीजन में पाई जाती है यानी यहाँ के नेशनल पार्क में ठीक तो एक इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस नेशनल पार्क से मिली और उसके बाद में इस रीजन में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट यानी जानवर है जिसको हम लोग कहते हैं हिमालयन ब्लैक बियर या हिमालय हिमालयी काला भालू ठीक है तो हिमालयन ब्लैक बियर इस रीजन में पाया जाता है और इसको बहुत सारे खतरे हैं यानी इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर रही है हिमालयन ब्लैक बियर जो है इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर रही है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हिमालयन ब्लैक बियर जो है वो एशियन ब्लैक बियर की एक प्रजाति है और ये बेसिकली कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो हिमालय के रीजन में जिसमें इंडिया में भूटान में नेपाल के रीजन में चाइना के रीजन में और पाकिस्तान के रीजन में पाए जाने वाले ये हैं और इनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कैसी है वल्नरेबल ठीक है तो ये स्पीसीज जो है वो आयुषन स्टेटस इसका क्या है तो इसका आयुषन स्टेटस है वल्नरेबल ठीक है तो जो भालू है इसका मतलब इन पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे ठीक है अगर इनकी संख्या को हम नहीं कंट्रोल या इनके ऊपर जो खतरा है और उस खतरा को अगर नहीं टाला गया तो ये किस में आ जाएंगे ये संकटग्रस्त जीव में आ जाएंगे अभी ये कैसे हैं संकटापन्न जीव हैं तो यानी वर्नरेबल हैं फिर ये किस में आ जाएंगे एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे ओके तो ये आपको ध्यान रखना है ये हिमालयन ब्लैकबियर इस रीजन में पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट जीव है और साथ ही साथ में एक यहां पर ध्यान रखना है कि एक जानवर होता है ऑटर ठीक है ये एक्चुअली कार्निवोरस है आपको ये ध्यान रखना है ये ऑटर एक जीव है इस क्षेत्र में पाया जाने वाला मांसाहारी जीव है ठीक है तो ये कुछ इस रीजन में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट जानवर हैं इन जानवरों को आपको ध्यान रखना है यहां से जहां जहां से मैंने क्वेश्चन बताया जैसे लेपर्ड का स्टेटस पूछा जा सकता है आपसे ब्लैक ब्लैकबियर का स्टेटस पूछा जा सकता है हिमालयन ब्लैक का

याद रखना है एक बर्ड की प्रजाति है तो हम लोगों ने दो नेशनल दो नेशनल पार्क्स को कवर किया और इन दोनों नेशनल पार्क से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने देखा अब इसके बाद में हमारा जो थर्ड नेशनल पार्क है वो हमारा थर्ड नेशनल पार्क है किस्तवार नेशनल पार्क यानी हमारा जो ने थर्ड नेशनल पार्क है वो कौन सा है किश्तवार नेशनल पार्क अब इसकी अगर हम लोग लोकेशन देखें तो जम्मू कश्मीर के रीजन में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अब अगर लोकेशन वाइज अगर आप देखो तो यहां पर इस रीजन में यानी सबसे इस पार्ट में अगर आप देखो तो यहां पर एक नेशनल पार्क है दाची गांव ठीक है सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा एक नेशनल पार्क जिसको मैंने आपको बताया हेमिस हाई हाँ नेशनल पार्क हेमिस हाई नेशनल पार्क हेमिसाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क अब इसके बाद में इससे जब इधर आते हैं तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग कहते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क यानी इस नेशनल पार्क की लोकेशन इन दोनों के बीच में पड़ेगी किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है ठीक है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है उसी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क को हम लोग क्या बोलते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क और इसकी लोकेशन आपको यह ध्यान रखना है कि ये लोकेशन इन दोनों के बीच में पड़ेगी तो अगर अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इस टाइप से पढ़ना है कि कैसे भी क्वेश्चन आए ठीक है और यूपीएससी में कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा हमेशा इधर उधर करके क्वेश्चन आएगा तो ऐसे में आप कोई भी एग्जाम दो लेकिन कैसा भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाए ठीक है तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क की लोकेशन आपने देखा अब इससे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है सबसे पहला इंफॉर्मेशन इस नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया वन 19... में ये एक डेटा है यहां से आपको क्वेश्चन हो सकता है नहीं पूछा जाए बट एक इंफॉर्मेशन है डेटा है ठीक है अगला जो पॉइंट है ये दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द मारवा रिवर ठीक है कहां पर लोकेटेड है मारवा रिवर और ये जो मारवा रिवर है ये चिनाब नदी की एक सहायक नदी है तो देखो यहां पर आपको एक ऐसी नदी का नाम मिला जिस नदी को आप जनरली नहीं सुने होते हो तो आपको ध्यान रखना मारवा नदी तो मारवा नदी चिनाब नदी की एक सहायक नदी है और इसी मारवा नदी के किनारे पर हमारा एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है किश्तवाड़ नेशनल पार्क ठीक है तो किस्तवार नेशनल पार्क की लोकेशन और इसी के साथ साथ में हम लोग नेशनल पार्क के साथ साथ में कुछ ऐसे फैक्ट भी जान रहे हैं जो फैक्ट जनरली हमें नहीं मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना किस नदी के किनारे पर है मारवा नदी ठीक है हो सकता है आपसे किस्तवार नेशनल पार्क ने पूछा है कभी मारवा रिवर के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको यह ध्यान रखना मारवा रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि इस जगह पर लोकेटेड है ठीक है और इस नेशनल पार्क को जो बनाया गया था उसमें बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया था जिससे हम लोग स्नो लेपर्ड्स को क्या कर सके कंजर्व कर सके यानी स्नो लेपर्ड को कंजर्वेशन करना यहां का मुख्य उद्देश्य था तो किस्तवार नेशनल पार्क जो है वो जो कंप्लीटली या ज्यादा डेडिकेटेड वो किस एनिमल के लिए है वो है स्नो लेपर्ड के लिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है तो आप जवाब देते हो वन हॉर्न राइनोसिरोस या एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इससे पहले दाची गांव किसके लिए फेमस था तो दाची गां में कश्मीरी स्टैग सबसे ज्यादा कंजर्व किया जाता है अगर यहां से पूछा जाए तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर जो स्नो लेपर्ड है उसको कंजर्व किया जाता है बड़ी मात्रा में अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जानवर कंजर्व करते हैं उससे रिलेटेड और भी जो जानवर होते हैं उनको भी कंजर्व करते हैं लेकिन जो मेनली डेडिकेटेड होता है वो किसी एक को वहां से आपको आंसर करना होता है तो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पे हमें कौन सा जानवर मिल रहा है वो जानवर है स्नो लेपर्ड अब ऐसे में और ये हमारे यहाँ पे जो कंप्लीटली सेवन स्नो लेपर्ड डेजर्ट यानी सेवन स्नो लेपर्ड जो रिजर्व्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जब इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड तो उसमें से एक ये यह यहाँ पर है यानी जब हमारे यहाँ पर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो ऐसे में हमारे यहाँ पे सात ऐसे रिजर्व हैं जिनको किया गया और उसके बाद में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उसमें से एक जो है वो ये भी है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना किश्तवाड़ नेशनल पार्क डेडिकेटेड टू द स्नो लेपर्ड ठीक है इसके लोकेशन कहाँ पे है किस रिवर के किनारे पर है मारवा रिवर मारवा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर ठीक है तो ये आपको पॉइंट्स कुछ ध्यान रखने हैं ठीक यहां से और फिर हम लोग यहां पर भी देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से जानवर हैं जिनके लिए फेमस है तो ये एक्चुअली किसके किसके लिए फेमस है तो जैसे आपने देखा था हिमालयन ब्लैक बियर वैसे यहां पे हिमालयन ब्राउन बियर भी होता है और यहां पे मस्क डेयर जिसका पिक्चर में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं हंगुल आपने पहले देखा है आइबेक्स जो है वो हिरन की प्रजाति है वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर इस टाइप से कुछ जानवर यहाँ पे हिंड इंडियन मुंट जैक ठीक है और हिमालयन थार और भरल ये कुछ जानवर हैं जिनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्पेशली इसको हम लोग आगे भी देखेंगे इनकी पिक्चर्स वगैरह तो ये भी कई सारे जानवरों को हैबिटेट प्रोवाइड करता है ठीक है कई सारे जानवरों को हैबिटाट प्रोवाइड करता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो हैबिटाट्स यानी कौन कौन से जानवर हैं जिनको हैबिटाट प्रोवाइड किया जाता है ठीक ये देखना है अब उसके बाद में एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो हमारा नेशनल पार्क है इस नेशनल पार्क में विंटर सीजन में यानी विंटर सीजन में जो कश्मीरी हंगुल स्टैग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं दाची से दाची गांव जो नेशनल पार्क है उस दाची गांव नेशनल पार्क से जो हंगुल होते हैं वो विंटर सीजन में माइग्रेट करके कहा चले जाते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है ठीक है आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि दाची गांव से जो हंगुल होते हैं या स्टैग होते हैं कश्मीरी स्टैग होते हैं वो जब माइग्रेट करते हैं विंटर सीजन में तो किस नेशनल पार्क में माइग्रेट करते हैं ठीक है इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दिस इज द काइंड ऑफ द टफ क्वेश्चन ये एक कठिन क्वेश्चन का एग्जाम्पल है तो ऐसे में आपको ये पॉइंट याद रखना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे किश्तवाड़ नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं अब उसके बाद में आप देखो ब्राउन बियर आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है ब्राउन बियर जिसको हम लोगों ने देखा था और इसका जो स्टेटस है आयुसीएन स्टेटसियन स्टेटस आपको याद रखना है दिस इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक है यानी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे यानी विलुप्त हो जाएंगे ठीक है तो विलुप्त कोई जानवर पहले कहां से होता है पहले जंगल से या पहले वनों से विलुप्त होता है और फिर कंप्लीटली विलुप्त हो जाता है तो अगर कोई जानवर जो है वो अब जंगल में नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ आर्टिफिशियल जगहों पर उसको हमने बचा रखा है तो उसको हम लोग एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड कहते हैं यानी जंगल से विलुप्त कहते हैं लेकिन अगर कोई जानवर पूरी तरीके से इस धरती से खत्म हो गया कहीं पर भी नहीं है तो उसको हम लोग कंप्लीटली क्या कह देते हैं विलुप्त कह देते हैं या उसको हम लोग क्या बोल देते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुका है ठीक है तो ब्राउन बियर उसके बाद में हिमालयन मस्क डियर आप देखो यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये इस रीजन में पाई जाती है और ये जो हिमालयन मस्क डियर है वो जो आपने पहले देखा था वही मस्क डेयर यहाँ पर भी पाई जा रही है ठीक है तो हिमालयन मस्क डेयर यहाँ पर भी पाई जा रही है उस रीजन में भी पाई जा रही है अब देखो ये एक हिरण की एक छोटी सी प्रजाति होती है जिसको हम लोग इंडियन मुंडजैक कहते हैं अब आप देखो ये नाम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आ, हिंदी में भी आपको यही याद रखना है इंग्लिश हिंदी में यही नाम याद रखना है जैक ही ठीक है तो ये जो इंडियन जैक है वो इस रीजन में यानी कश्मीर के रीजन में इस पाई जा रही है और किश्तवा नेशनल पार्क में और इसका आयुषियन स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्ट है यानी इस पर अभी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है लेकिन इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो ये भी जो है वो वलनेबल कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी ठीक है तो आज हम लोग जो है अपने जो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स थे उन जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स में हम लोगों ने कुछ नेशनल यानी तीन नेशनल पार्क के बारे में देखे चूँकि हमारी आज पहली क्लास है तो इससे रिलेटेड हम लोग जो और जो दो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम लोग कल कवर करेंगे और ऐसे ही हम लोग स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे इसी डेफ्थ के साथ में और भी जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशनस होंगे सभी डायमेंशनस को कवर करते हुए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो या इस सेशन को आप शेयर करो मैक्सिमम से लोगों तक इसको पहुंचाओ जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग जो है वो इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करते रहना तो इस सीरीज के एंड के बाद में आपके नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ठीक है, यानी क्यों नहीं गलत होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोर इन्फॉर्मेशन या जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही लेस कंफ्यूजन होगा ठीक है तो ऐसे में कंफ्यूजन की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बट पूरी सीरीज को आपको कंटिन्यू देखे रहना है और ठीक है तो पूरी सीरीज को आपको कंटिन्यू देखते रहना है जिससे आपका नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ठीक है तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कोई भी डाउट वगैरह होगा कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और कल फिर हम लोग मिलते हैं नेशनल पार्क इसी सीरीज के साथ में तीन बजे से ही ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल तीन बजे मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहना थैंक यू सो मच